कॉलेज या ब्रांच? लोअर आईआईटीज में अच्छे ब्रांच या ओल्डर आईआईटीज में थोड़े बुरे ब्रांच, क्या लेना चाहिए? बड़ा कंफ्यूजन है। सुना है लोअर ब्रांचेस में प्लेसमेंट नहीं मिलती, लेकिन न्यू आईआईटी की कोई इज्जत भी नहीं है। इतना भी सच नहीं बोलना था, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा जो एक साल पहले, लेकिन हाँ मेरे को कंफ्यूजन नहीं चल रहा। बहुत ऐसे परसेंटेज ऑफ पीपल जिनकी रैंक्स अच्छी आई होती है, लाइक जो रेंज होता है हमारा 2-3 हज़ार या 1 हज़ार वाला रैंक रेंज होता है, या थोड़ा सा नीचे रेंज चला जाता है, उनको एनआईटीज में हो सकता है सीएस मिल रही हो, और आईआईटीज के ओल्डर आईआईटीज में थोड़ा थोड़ा सा डिसेंट या डिसेंट टू लोअर ब्रांचेज मिल रही है। लाइक मान लो कि एनआईटी त्रिची में मेरे को ईसीई मिल रही है और आईआईटी दिल्ली में मेरे को मान लो सिविल मिल रही है, तो क्या प्रेफर करना चाहिए? ऐसा एग्जाम्पल, मैं ऐसे रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो सीन ये है कि देखो, मैंने अपने से जैसे करा था, मैं अपने बारे में बताता हूँ पहले, मैंने कैसे सोचा था और मेरा क्या था ड्रीम। तो मैंने आईआईटी दिल्ली ही ले लिया। तो सीन ये था कि मेरे को एनआईटी में बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं थी, लाइक सीएस वगैरह मिल रहा, लेकिन हाँ मेरे को एनआईटी त्रिची में शायद केमिकल मिल रहा था, याद नहीं मेरे को प्रॉपर, लेकिन ऐसा था कि मेरे को एनआईटी मिल रहा था। और अगर मैं लोअर एनआईटी में जाता लाइक एमएनआईटी वगैरह में, शायद उसमें ईसी या ईई मिल जाता मेरे को, ये था तो वो ले लेना था। या आईआईटी दिल्ली में अभी तो रैंक अच्छा आ गया, मान लो रैंक अच्छा नहीं आता, मान लो मेरा रैंक आ जाता 6-7 हज़ार, तो क्या लेना था? सीन ये है कि आप अपने आप पे देखो कि कोई अभी आपने रिसर्च किया है कि नहीं अपने इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आपको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, लाइक चलो आईआईटी दे दिया, इतना पढ़ाई लिखाई कर लिया, गो प्रेफर आईआईटी दिल्ली या ओल्डर आईआईटी, लाइक जो भी हमारा जो टॉप 5 टॉप 7 आईआईटी है ना, उनको प्रेफर करना इज लाइक बेस्ट। उनका जो माहौल और उनका जो कल्चर मिलेगा ना, वो कहीं एनआईटीज और न्यूअर आईआईटीज में नहीं मिल रहा था। हाँ, इफ यू हैव इंटरेस्ट, लाइक किसी को है कि मैंने टेक कोर में जाने नहीं है, मेरे को टेक में ही जॉब करना है, लाइक मेरे कोडिंग में अच्छी इंटरेस्ट आ रही है, मैंने स्कूल में भी कोडिंग कर रखा है और मेरे को सारी चीजें सीएस और ये थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, तो प्रेफर न्यूअर आईआईटीज। लेकिन हाँ, मैंने दोनों चीज बताई। अब मेरा था क्या सीन, मेरे को दिल्ली इसीलिए आना था, लाइक दिल्ली या बॉम्बे मेरा दो था। मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन या आईआईटी का प्रिपरेशन शुरू ही किया था आईआईटी बॉम्बे को ड्रीम लेकर के, अभी मैं आईआईटी दिल्ली में हूँ, उसका अलग सीन था थोड़ा। तो वही है कि मैंने यही सोच के चालू किया था कि कुछ भी हो, मेरे को कोई भी ब्रांच मिले, अगर मेरी रैंक थोड़ी खराब भी आती 3-4-5-6 हज़ार रहती, तो जो भी मैं ट्राई करता कि टॉप के आईआईटीज लूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई नहीं था कि मैं सीएस ऐसा लेना ही है कि लाइक मतलब न्यू आईआईटीज में अगर सीएस मिले, क्योंकि आई हैड नो इंटरेस्ट, लाइक कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरे को इनिशियली में, अभी आके डेवलप करना। तो न्यूअर आईआईटीज में यू वुड नॉट गेट अ कल्चर जो ओल्डर आईआईटीज में मिल रहा था, क्योंकि यू कैन परस्यू कोर, यू कैन परस्यू फाइनेंस, यू कैन परस्यू टेक, यू कैन परस्यू कंसल्टेंसी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ओल्डर आईटी में। प्लस यहाँ के सीनियर्स, लाइक जैसे अगर मैं सीनियर बनूँ आपको, तो जो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं वो बहुत ज्यादा चिल होते हैं, उनके एडवाइस लाइक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो वही है कि आप अपने आप में थोड़ा सा रिसर्च कर लो, थोड़ा सा अपने आप में खोजो, पेरेंट्स के डिस्कशन कर लो, थोड़ा सब चीज कर लो, सारी चीजें आगे पीछे करके देख लो। आई वुड प्रेफर कि आई वुड टेल कि अगर हाँ अभी अगर कोई इंटरेस्ट नहीं बना है, जस्ट प्रेफर ओल्डर आईटीज, दे आर जेम, लाइक प्योर जेम, ठीक है। हाँ, अगर इंटरेस्ट बन गया है तो गो प्रेफर ब्रांचेस, अदरवाइज प्रेफर कॉलेजेस, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, छोटी सी वीडियो थी, हो सकता है होपफुली वीकेंड आ रहा है तो थोड़ी ज़्यादा वीडियोज आएंगी। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड।